लेकर राज्य सरकारें तक जूझ रही हैं। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक वाली उस परेशानी का समाधान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या खोज लिया है, ये कहने की वजह उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जो अभी चल रही है उसमें न तो पेपर लीक की खबर आई, न नकल, न सॉल्वर गैंग की छाप परीक्षा पर पड़ी है। जब देश में अलग अलग राज्यों में 2019 से अब तक 67 परीक्षाओं के पेपर लीक होते आए, तब अब की बार यूपी में 60,244 खाली पदों पर होती 48 लाख बेरोजगारों की परीक्षा बिना किसी पेपर लीक के पूरी हो रही है। पूरी हो रही है हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 चरण पूरी तरह पेपर लीक मुक्त हो चुके हैं, कल बस अंतिम चरण की परीक्षा होनी है। देश में जब लगने लगा कि किसी भी परीक्षा का पेपर चाहे कितने भी ताले लगा लो पेपर माफिया लीक करा ही लेगा, तब आज आपको हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया 48 लाख जो छात्र रहे परीक्षा देने के बाद शिकायत नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं कि योगी की डगर पर और भी सरकारें दिखाएं चलकर। फरवरी का महीना था, उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में हजारों छात्र फरवरी में तब प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। सबकी एक ही मांग, पेपर लीक माफिया पर एक्शन हो, भर्ती परीक्षा रद्द हो। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और फिर आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द किया। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही सरकार, सरकार ही जानबूझकर के पेपर लीक कराती है। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक की चुनौती का चक्रव्यूह तोड़ने की तब ठान ली। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के बहुत से के साथ खिलवाड़ करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। और फिर 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा शुरू होती है। 60,244 पदों की पुलिस भर्ती में 48 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं। 5 चरण की परीक्षा में अब तक न पेपर लीक हुआ न कोई धांधली की खबर आई। इसी के बाद सवाल ये जरूर आ गया, क्या उत्तर प्रदेश ने देश में भर्ती परीक्षाओं के सबसे बड़े रावण यानी पेपर लीक माफिया की नाभि में सीधे बाण मारने वाला धनुष उठा लिया है? इस बार लगता है कि कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। इस बार तो पेपर वेपर लीक नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं और होगा भी नहीं शायद। पेपर लीक भी नहीं हो रहा है, सरकार अच्छा है। हाँ, सरकार को अच्छा काम कर रही है। इस बार पहले से ज्यादा फुल प्रूफ हो रही है परीक्षा, और क्या, बिल्कुल हो रही है। पिछली बार की अपेक्षा सब कुछ ठीक है। इस बार तो काफी अच्छे इंतजाम हुए हैं, सारी सिक्योरिटी चेक हो रही थी, पेपर भी सील सामने खोली गई थी सारी। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा, लाखों छात्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, एसटीएफ और भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी दे रहे हैं चुनौती। पेपर लीक को रोकना और किसी भी तरह से नकल पर काबू करना था। इसके लिए तय हुआ कि एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसमें पेपर की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और एडमिट कार्ड जारी होने से लेकर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र तक जाने तक निगाह रखी जाएगी। 9:30 के बाद किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं दी जाएगी, महाविद्यालय के गेट बंद हो जाएंगे। कोई भी परीक्षार्थी जो परिसर के आसपास है
अपनी एंट्री सुनिश्चित कर ले। सरकार और सिस्टम की निगाहों का नतीजा है कि जब कई राज्यों की आबादी से ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में बैठते हैं, तो इस बार चूक कहीं सामने नहीं आती, क्योंकि सुरक्षा ऐसी की गई कि नकल करने कराने वाले भी कांपने लगे। पहले जो सिस्टम था कि मतलब चेकिंग फेकिंग का कुछ ठीक नहीं था, पर इस बारी जो था वो बहुत ही अच्छा था। क्या अच्छा था? जैसे कि पहले जो बंदे थे हाथ में मौली वगैरह, कंगन वगैरह, एयरफोन्स वगैरह लेकर के चले गए थे, मेरा लखनऊ में सेंटर था, पर इस बारी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे बंदों ने पहले ही निकलवा दिया। ठीक है, सारा कुछ बिल्कुल, बंदे कोई भी ऐसा क्लास में स्टूडेंट नहीं गया जिसके पास कोई चीज़ निकलती। यही सबसे बड़ी सरकार की जीत, जहां चार दिन की परीक्षा के बाद कहीं से भी छात्र न तो कोई शंका जता रहे हैं न सवाल उठा रहे हैं, इस बात का भरोसा जरूर कर रहे हैं कि अब की बार पेपर लीक का तोड़ खोज लाई सरकार। काफी अच्छे इंतजाम हुए हैं, पिछली बार ऐसी लग रहे थे कि लापरवाही वैसी हुई है कि हमारे जहाँ से पेपर आते थे फैक्ट्री जहाँ से बने, तो वहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, या हुआ हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार उनके साथ स्टाफ भी आ रहा है, जो सर आ रहे हैं प्रूफ वाइज कवर करके आ रहा है। सवाल उठा कि क्या इस बार बहुत से लोग जो नकल धांधली पेपर लीक के सहारे रहते हैं वो पहले ही परीक्षा से आउट हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले दिन परीक्षा के 20% अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं आए, दूसरे दिन भी फॉर्म भरने वालों में से 20% परीक्षा देने नहीं पहुंचे, तीसरे दिन 17% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, चौथे दिन 13% अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। इस बार हमारे भर्ती बोर्ड ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, इसमें गड़बड़ी करने के कोई चांसेस नहीं है, तो या तो एक वो रीजन हो सकता है या हमारे अच्छे बच्चे कुछ लोग दूसरे जगह पे भी अन्य सेवाओं में भी जा चुके होंगे, तो मैंने केवल आपको एक फैक्चुअल डेटा बताया कि लगभग 20-22% लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इसके एग्जैक्ट कारण क्या है ये तो परीक्षण के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल चार दिन के बाद पुलिस अब शनिवार शाम 5 बजे तक की परीक्षा का अंतिम चरण पूरा होने का इंतजार कर रही है। इस बीच चार दिन में जो कुछ एक्शन हुआ उसकी भी रिपोर्ट आप जान लीजिए। 5 में से 4 दिन की परीक्षा खत्म होने के बाद अब तक कुल 53 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 40 FIR दर्ज हो चुकी हैं, और इन 4 दिनों की परीक्षा में लगभग 40 लाख अभ्यर्थी इम्तिहान दे चुके।